शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कितनी बारी समझाओ, तुम सुनो। आकाश मुझे दर्द हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं ना यहां पे, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा। मैं बार बार एक चीज रिपीट नहीं करूंगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अभी बात करनी है। छोड़ो मेरा हाथ। आकाश, जिंदगी में किसी चीज से खुशी मिलती है? हटो यहां से। बॉस ने हमको कैबिन में बुलाया है। सर, मे आई कम इन? या आकाश, प्लीज कम इन, कम इन। सिट डाउन। थैंक यू। सो मिस्टर आकाश, व्हाट इज दिस? सर, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। पहले आप इसकी क्लेरिफिकेशन दीजिए, इनसे तो मैं पूछ ही लूंगा। सर, दो दिन से मेरा पंच नहीं हो रहा, मशीन मेरा फिंगरप्रिंट रीड नहीं कर रही। तो इस बात के लिए आपने इन्हें पंच मार दिया? सर, दो मेल कर चुका हूं, एक बारी जाके पर्सनली बोल चुका हूं, लेकिन इस बंदे ने जानबूझ के मेरी लीव लगा रखी है। सर, बहुत प्यार से इसको बोलने गया था, लेकिन उल्टा मुझसे ही बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे, मैं कोई पागल हूं जो यहाँ पे 8 घंटे बैठ के काम करूं, ऐसी तैसी कराऊं, ये बंदा मेरी लीव लगा दे? मैं यहाँ लीव लगवाने के लिए बैठा हूं। सर, मैंने सारा काम कंपनी गाइडलाइंस पे किया है, मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। एक मिनट। आकाश, लुक, आई नो कि तुम्हारी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट पर्सनल प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होते। आज जो कुछ भी हुआ है, दैट इज वेरी अनप्रोफेशनल, और इसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। इस कंपनी के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एंड गेटिंग फिजिकल विद अनदर एम्प्लॉई इज वे टू मच। आकाश, लुक, तुम इस कंपनी के बहुत ही वैल्यूबल एम्प्लॉय हो, वी डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम यू। कोई और होता तो चलो मान लेते हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते आकाश, सिंपल रखते हैं। दिस इज अ ब्लैंक पेपर, सिंपली राइट एन अपॉलॉजी लेटर और प्रॉमिस करो कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्या हो गया आकाश, क्या सोच रहे हो? ब्लैंक पेपर पे रेजिग्नेशन लेटर तो दे सकता हूं, अपॉलॉजी नहीं। थैंक यू। अरे आकाश, सर देखा आपने? अबे क्या जरूरत थी तेरे को इसको उंगली करने की? सर, मैं तो सारा काम गाइडलाइंस में कर रहा हूं। गाइडलाइंस ले, चाट ले अपनी गाइडलाइंस, पागल आदमी।
से लग गई। किसने मारी ये बॉल? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। ये कोई खेलने की जगह है? बॉल सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अबे खेलना तो ग्राउंड में जाके खेलो। सॉरी अंकल, बॉल नहीं मिलेगी। खड़ूस कहीं का। क्या बोला? खड़ूस। बड़ों से इस तरह बात करते हैं? तो तुम हो खड़ूस, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी। आकाश, तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले। आई मीन दिल्ली कब आई? ओह, वो तो मैं दो दिन पहले ही आ गई थी। कुछ काम था तो सोचा कि ये काम भी निपटा लूं। आओ अंदर चल के बात करते हैं। इट्स ओके आकाश, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। वो एडवोकेट को तुम्हारे साइन चाहिए थे। अभी कुछ टाइम पहले टीचिंग की जॉब मिली है स्कूल में, और भी प्लान्स हैं। फिर सोच रही हूँ कि अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर लूँ। तुम बताओ, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आगे के? कुछ खास नहीं, बस गोइंग विद द फ्लो। और वैसे भी लाइफ में कहीं कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंगली होता है। बात पूछूं? पूछो। Will you regret the time we spent together? No. हाँ, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। इतनी प्रॉब्लम्स हुई, इतने झगड़े, इतनी टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, बट इसके बाद भी आई हैव स्पेंट सम ऑफ माई बेस्ट टाइम विथ यू, सो आई विल नॉट रिग्रेट। तो है ना, वाकिफ तो है ना, क्या तू
हाय भाई। हाँ क्या था? बोलो। बिजी तो नहीं है अभी? नहीं नहीं। बोलो। वो भाई एक ना छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ बोल। मेरी एंगेजमेंट ना प्रीपोन हो गई। कब है अब? फोर्थ फेब। राइट। नहीं जान। आर यू मैड? तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? मानव की जॉब ऑस्ट्रेलिया में कंफर्म हो गई है और अब उसे एक वीक में ही निकलना है। आई नो शॉर्ट नोटिस है बट यू हैव टू रीच योर भाई। आई कांट कम यार, आई हैव सो मच वर्क लेफ्ट। हियर आई जस्ट कांट कम। ओह हेलो, मेरी एंगेजमेंट है, मेरा बर्थडे नहीं है कि जो इस बार मिस कर दिया तो अगले साल फिर आ जाएगा। देख ये मेरे लिए है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन है, यू जस्ट कांट मिस इट। और अगर तू नहीं आया ना तो पूरी लाइफ मुझसे बात मत करना। तेरे को मालूम है वेदर का क्या हाल है? सारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, ट्रेन कैंसिल हो रही है, कैसे पहुंचूंगा? आई डोंट केयर। तू जैसे मर्जी आ, तू चाहे उड़ कर आ या तू भाग कर आ, मुझे बस तू परसों तक आ चाहिए। और जो तू नहीं आया ना, हेलो हेलो शेर अभी घायल है पर है तो शेर ही। yeah. क्या बोलता है? ये दुनिया जाए भाड़ में, ना मैं किसी की आड़ में, घर से निकला अकेला रात काली साथ में, बांध के समा में चल रहा था, टोकने वाले हैं बहुत मुझे ये पता था, ती खुशियां अधूरी जिनको मैं चुन रहा था, है ख्वाहिशें जरूरी है मैं किसको जताता, बताता अपनी धुन मेरी खुद से है भुनी, मेरी खबर मिली ना उनको जो है जरूरी, अधूरी मेरी नीयत जो करनी मुझको पूरी, क्योंकि समय के साथ बन रहा था मैं जुनूनी, क्योंकि अपना बोलने वाले जो मुझे छोड़ के बगे, हम मुझको टोकने वाले जो मेरे साथ चल रहे हैं, ये उनको बताना कि अकेला ही हूँ मैं और अकेला ही काफी हूँ तुम सबके लिए। मैं बहुत हार्ड बेबी, ये बहुत हार्ड, मैं बहुत हार्ड बेबी, मैं बहुत हार्ड। सबके नखरे वखरे फिर क्यों ये मुझे सारे आके साथ टकरे, जबकि देना ना किसी को ना लिया मैंने कुछ, फिर भी लेके ताने क्यों ये मेरे साथ चल रहे, परे हटा दूंगा या मैं बुला दूंगा, हुआ है जो भी खुद से दूर उसको दूर से दिखाना, मैं बचा दूंगा ना मैं सजा दूंगा, क्योंकि मैं बहुत हार्ड बेबी, ये बहुत हार्ड, ये शिमला जाने वाली बस कहां से मिलेगी? 2 नंबर काउंटर। एक पानी की बोतल देना। एक पानी की बोतल 20 रुपये। बार बार बस अड्डे आता हूँ फिर वापस चला जाता हूँ, रोज यही कर। एक गोल फेंक दी। काम से तो भैया मैं बहुत खुशी हूँ। अब देख अपना घर होते हुए बाहर चाय पी रहा हूँ।
अच्छा लगता है। 14 रुपये पैसे भी खर्च होते हैं और मज़ा भी नहीं आता। और वही पुरानी चाय पत्ती सुबह से लेके शाम तक उसी चाय पत्ती। साहब आपका फोन बज रहा है। मेरा नहीं है। आपका नहीं? फोन देना एक मिनट। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी आप बताइए। आप कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ये मेरी बेटी का फोन है। देखिए ये फोन मेरी दुकान पर पड़ा हुआ था। खैर आप ये बताइए आपकी बेटी दिखती कैसी है? जी बच्ची है, 8 साल की। लंबे बाल और गोरी है। हाँ, एक मिनट साहब। हरियर वो लड़की थी ना जो अभी आई थी थोड़ी देर पहले, अरे वही जो अभी 20 रुपये का फटा बनोट देकर गई है, जा उसको लेके आ, जल्दी लेके आ, जल्दी जल्दी जा। साहब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची बस मिली गई है। ठीक है भाई साहब, ये मेरी बेटी है सुहाना। स्कूल टूर पर दिल्ली गई थी, गलती से वहीं छूट गई। हम उसे लेने आ जाते लेकिन यहाँ तूफान आने की वजह से सारी रोड्स ब्लॉक हो गई हैं, सुबह तक रोड्स खुलने के कोई चांस नहीं है। अगर आप मेरी मदद करें तो आपकी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप ये बताइए आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी कुफरी हिमाचल। कुफरी? अच्छा शिमला। जी जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे एक जानकार हैं जो शिमला को जा रहे हैं, मैं आपकी उनसे बात करा देता हूँ। ठीक है एक मिनट साहब एक मिनट बात कर लीजिए, बच्ची गुम हो गई है जी, माँ बाप बहुत परेशान है, एक बार प्लीज़ बात कर लीजिए आप इनसे। हेलो भाई साहब, मेरा नाम राजीव ठाकुर है, मेरी बेटी सुहाना स्कूल टूर पर दिल्ली गई थी और गलती से वहीं छूट गई। अभी शॉप वाले भाई साहब ने कहा कि आप शिमला आ रहे हैं, बट आपने तो बोला था कि नोट चल जाएगा। हेलो भाई साहब, हम बहुत परेशान हैं, आप किसी भी तरह से हमारी बेटी को हमारे तक पहुंचा दीजिए, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। देखिए भाई साहब, आपका जितना भी खर्चा होगा वो हम दे देंगे, आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस हमारे बच्चे को हमारे तक पहुंचा दीजिए। हेलो जी, हेलो आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना? हेलो आपको आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ सुन रहा हूँ मैं। हमारी बच्ची बहुत छोटी है, ना समझ है, वो अकेली परेशान हो जाएगी, आप प्लीज हमारे लिए इतना कर दीजिए प्लीज। हेलो 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 जी, हेलो आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं? हेलो आपको आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी ठीक है जी। भाई साहब आप मेरी बात सुहाना से करवा दीजिए। जी हेलो हेलो बेटा ठीक हो ना? हाँ मामा। अच्छा बेटा अंकल का साथ मत छोड़ना और अब कहीं घूम मत जाना, ठीक है? ओके मामा। और अंकल को ज्यादा परेशान मत करना। शिमला से हूँ। तो आप दिल्ली घूमने आए थे?
मैं दिल्ली में रहता हूँ। बट आपने तो कहा था कि आप शिमला से हो। हाँ मैं शिमला से हूँ बट दिल्ली में मेरी जॉब है इसलिए वहीं रहता हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी। मैंने बहुत सारे प्लेसेस देखे, डॉल म्यूजियम, रेल म्यूजियम, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। आपने रेड फोर्ट देखा है? नहीं। आप दिल्ली में रहते हो, आपने रेड फोर्ट नहीं देखा? शिमला तक। और उसके बाद देखते हैं। अरे बेटा, शिमला से कुफरी के लिए बहुत सारी बसें मिल जाएंगी। शिमला जाके फिर चेंज कर लेना, ठीक है? आप भी कुफरी जा रहे हो अंकल? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस शिमला तक ही जा रहा हूँ। तो आपको कैसे पता? अरे बेटा, उम्र हो गई है घूमते फिरते। वो क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, मूंगफली खाओ। थैंक यू। अरे भाई साहब, आप भी लीजिए। लीजिए भाई साहब। ओ भाई साहब, भाई साहब जी। जी। थैंक यू। अरे खा लो भाई साहब, शर्म क्यों करते हो, मैं कोई पैसे मांग रहा हूँ। बड़ी प्यारी भतीजी है आपकी। नजर लगे है, गाले गाले शर्म नहीं करती है, गाले गाले। भाई साहब बात ही नहीं सुनते। ओ भाई साहब। जी। ओ कहाँ खोए हो? कुछ नहीं, वो शिमला में कुछ जरूरी काम है तो। शिमला? अरे शिमला तो हम सबने पहुंचना है, पर कोई और बात है भाई साहब। अच्छा, आपको कैसे पता? अरे आपकी शक्ल से क्या पता लग रहा है? अरे हम ऐसे थोड़े ना बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है हमें। तो आप ही बता दीजिए मुझे क्या प्रॉब्लम है अपने एक्सपीरियंस से। भाई साहब शक्ल देखे तो ऐसे नहीं लगता, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम होगी। अच्छा खासा कमा लेते होंगे, कोई घरेलू समस्या लगती है। सही जा रहे हो आगे। अरे बाबू इधर आओ ना, जल्दी आओ ना। अरे देखो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, बाबा ओम तड़केश्वर टावर वाले। अरे तुम्हारी जिंदगी में तड़का लगा देंगे। टावर वाले टावर पर बैठते हैं क्या? ऐसी बातें क्यों करते हो, बड़े पूछो ये बाबा हैं। अरे तुम्हारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, यूं 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 चुटकियों में हल करते हैं। अच्छा रुको, जब तुम शिमला से दिल्ली वापस जाओ तो मुझे इस नंबर पे फोन कर लेना। और हाँ, ये बाबा मंगलवार और शनिवार बैठते हैं, ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है? जा, खुश रहो।
40 रुपए। बट मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। नीचे लड़की किसकी है? प्रॉब्लम क्या है? हमारा तो दिमाग खराब हो गया था। क्यों बैठे हम इस बस में? भाई साहब 5-6 घंटे से पहले ये बस नहीं हिलने वाली। मैं कह रहा हूँ चादर ओढ़ के सो जाओ सारे। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई साहब? एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से। 5-6 घंटे से पहले ये बस हिलेगी तक नहीं। शर्ट लगा लो, लगा ला, लगा ला, लगा ला। यार क्या चक्कर क्या है? अरे भाई साहब टाइम बताइए। देखिए बस के इंजन में कोई ख़राबी हो गई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, लेकिन 5 से 6 घंटे ज़रूर लगेंगे। अरे देखिए किसी को खाना वगैरह खाना तो साथ में ढाबा है, आप जा सकते हैं। देखा क्या कहता मैंने? एक्सपीरियंस 5 साल रोज का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। जय माता दी, जय माँ शेरा। भाई साहब राहुल, मेरा शिमला पहुंचना बहुत अर्जेंट है। अच्छा 5-6 घंटे वेट नहीं कर सकता। अरे सर अब हम क्या करें, हमने जानबूझ के ख़राब किया बस, जो आप हम पे चढ़ी जा रहे हो। भाई साहब मैं चढ़ नहीं रहा हूँ आपके ऊपर, अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप? अब देखो बस तो जल्दी चल नहीं सकती, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, आप वहाँ पर जाओ, आपको शिमला के लिए टैक्सी मिल जाएगी। भाई साहब शिमला तक जाना है। ओ, क्यों नहीं जी, बिल्कुल चलेंगे। ओ बेटा जी आप भी सीट पर लगा लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीट पर लगा रही हूँ अंकल। वो तो मुझे भी मालूम है, पर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ओ पाजी कोई बात नहीं, बच्ची का बैठने का मन है तो बैठने दो ना, मैं देख कर चलाऊंगा। भाई मेरे कहने का मतलब है कि ये बच्ची यहाँ पर। ओ पाजी मैं सब समझ गया, अब बिल्कुल चिंता मत करो। ओ मेरी भी इतनी छोटी सी बेटी है, हमेशा जिद करती रहती है आगे बैठना मैंने। अब बिल्कुल चिंता मत करो, चले बेटा। भैया कितने घंटे लगेंगे शिमला तक? कम से कम 5 घंटे तो मान के चलो। 5 घंटे? पाजी शिमला क्या घूमने जा रहे हो? जी नहीं, मेरा घर है वहाँ। ओ अच्छा, तो आप लोकल हैं, तो मतलब आपने तो शिमला सब घूम रखा होगा। नहीं अंकल, ये शिमला के बटवा रहते नहीं हैं। अच्छा तो फिर कहाँ रहते हो सर? दिल्ली। ओ तो आप दिल्ली से हो, फिर तो आपने दिल्ली में सब घूम रखा होगा। अंकल इन्होंने तो रेड फोर्ट भी नहीं देखा। बच्ची कैसे ही कह रही है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब टूरिस्ट प्लेसेस ही हैं और टूरिस्ट ही देखने आते हैं। क्यों पाजी, दिल्ली वालों पर क्या सरकार ने बैन लगा रखा है? इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में। पाजी टाइम का क्या है, टाइम तो निकालना पड़ता है। अब आप मुझे ही देख लो, चाहे जितना मर्जी काम हो लेकिन संडे का दिन अपने घर पे दे दो, संडे का दिन सिर्फ मेरी बेटी का होता है। जब आप बाहर रहते हो तो आपको उसकी याद नहीं आती? याद तो आती है बेटा। तो फिर आप क्या करते हो? फोन पर बात कर लेता हूँ। भाई साहब मेरी तो छोटी बच्ची है,
लेकिन उसको सब कुछ याद है। हर स्टेट, हर कंट्री, कैपिटल के नाम याद है उसे। और तो और उसको सारी पोएम्स भी याद है। कौन कौन से पोएम? आलू कचालू, ट्विंकल ट्विंकल, वो कौन सी पोएम इंग्लिश में? रेन रेन गो अवे। अच्छा, वो तो मुझे भी आती है। अच्छा, तो आप गाओ। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल चिंटू वांट्स टू प्ले। रेन रेन गो अवे, रेन लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि पूछो मत। अभी पाजी एक हफ्ते पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ था पास में, स्कूल के लड़के थे। अब आप ही बताओ, इतने छोटे बच्चों को स्कूल ट्रिप में भेजना यही पहाड़ों में कौन सी समझदार वाली बात है? जरा से भी जिम्मेदार नहीं समझते आजकल के माँ बाप। आगे जरा मेडिकल स्टोर मिले तो रोक देना। पहुंच गए क्या? ओ देखो कितनी अच्छी पहाड़ियां हैं, देखो अंकल, देखो ना अंकल, देखो। कितना गहरा, ओ देखो कितनी अच्छी पहाड़ियां हैं। आप भी देखो ड्राइवर अंकल। स्टॉप इट। क्या हुआ? I said stop the car. अंकल इससे क्या होता है? ये होता है बेटा गियर। इसको अगर आगे करेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी, इसको पीछे करेंगे तो गाड़ी पीछे चलेगी। मैं करूँ एक बार? हाँ हाँ, आप भी करके दिखाओ। थोड़ा और, थोड़ा और दम लगाओ। लगाओ। नहीं हिल रहा। लगेगा, होगा होगा। और दम। और आकाश जी,
अब ठीक हो गया? बेटर है, चलें अब। हाँ हाँ पाजी, बस आप ही का वेट कर रहे थे। ड्राइवर अंकल ने ना मुझे ना गाड़ी चलाना सिखाया। अच्छा, कितना सीख लिया फिर? सब कुछ सीख लिया, बस एक गेयर ही नहीं लग रहा। ओहो, तो मैं किस लिए बैठूं? चलो हटो, मैं लगाता हूँ। क्या हो गया, लग क्यों नहीं रहा? अटक गया क्या? क्या अटक गया? ओ पाजी गेयर, और क्या? क्या? लो और सीख लो। अच्छा, अब ये मेरी गलती है। तो कोई भूत आया था जो गेयर हटका के चला गया? अरे मतलब क्या आपका? एक तो वैसे ही लेट और ऊपर से ये मुसीबत है। आपको लगता है आप मेरी वजह से लेट हो रहे हो? तो और नहीं तो मेरी वजह से? तो किसने बोला था बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाने के लिए? अच्छा खासा चल रहे थे। अच्छा, अब ये मेरी गलती हो गई? अब अगर गलती की है तो सॉरी भी बोलना पड़ेगा। सॉरी? दो घंटे? मैं नहीं पाजी, मेरी मम्मी बोलती है अगर गलती करो तो सॉरी बोल देना चाहिए। तुम इतना बोलती क्यों? आप इतना सिगरेट क्यों पीते हो? यू सर जी, मैकेनिक को आने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे? यार तुम्हें मालूम है मुझे शिमला पहुंचना बहुत जरूरी है, आप थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। ओ सर जी, मैं आप क्या कर सकता हूँ, हम पहाड़ों में हैं, दिल्ली में थोड़ी ना जो आपको चलते फिरते मैकेनिक मिल जाएगा। पाजी कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे। अगर पाजी आपको ज़्यादा जल्दी है तो पाजी ये कच्चा रास्ता है, इसको पार करके आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा और वहाँ से आपको दूसरी टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ तक आपको पैदल जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? पाजी कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे। रास्ते हैं थमे चल रही मंजिलें, बेबसी है बसी ले रहा करवटें, करते हैं कितने वादे ना निभाने का हिसाब, समेट के ये नाते रख के आंखों में सैला। चल दिए कहीं, चल दिए कहीं, जानू ना है कहाँ मंजू मेरी, चल दिए कहीं, चल दिए कहीं, अंकल रुको। किस लिए? अंकल हम 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं? सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास। अच्छा मैं 1 मिनट में आती हूँ, पर आप प्रॉमिस करो आप मेरे को कहीं छोड़ के नहीं जाओगे अकेले। 30 सेकंड। क्या? 15 14 13 12 11 10 9 8 7
सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। चलो मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं इतना फास्ट नहीं चल रहा, तुम बहुत स्लो हो। बट मैं आपके जितना फास्ट नहीं चल सकती, आप स्लो चलो। संभल के। और अब कितना चलना पड़ेगा? पक्का पता है ना हम सही जा रहे हैं? आपको नहीं लगता हम यहाँ पे पहले भी आए थे? हेलो, कहाँ रह गया तू? अब तक पहुंचा क्यों नहीं? टैक्सी खराब हो गई है, रास्ते में वो फंसा पड़ा। तो फिर कब तक पहुंचेगा? अभी तो नहीं, टैक्सी लेनी है। अंकल और कितना टाइम लगेगा? एक बार टैक्सी स्टैंड पहुंच जाओ फिर बताता हूँ। घर पर सारे के सारे मेहमान आ गए और तू पता नहीं कौन से रास्ते से आ रहा है। सामान ला। और ये हर बार तेरी टैक्सी क्यों खराब हो जाती है? अंकल मैं बहुत थक गई हूँ, पानी भी खत्म हो गया है। ये तेरे साथ कोई है क्या? हाँ नहीं, वो कोई नहीं। देख, अगर तो टाइम पे नहीं आया ना तो भाड़ में जाइए एंगेजमेंट। मैं ना मानव के साथ ही चली जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया। आउच। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? मुझे लगता है शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। मैंने कहा था ना ठीक से चलो, चलो उठो। मुझे नहीं लगता अब मैं चल पाऊंगी। अब चलोगी नहीं तो पहुंचेगे कैसे? हाथ तो थाम ले, चाहे दिल ना मिले, रोक दूं मैं इसे चल रही धड़कने। करते हैं कितने वादे ना निभाने का हिसाब, समेट के ये नाते रख के आंखों में सैला। भाई साहब। ओ पाजी, वो आप पहुंचे हो? हाय अंकल। हेलो बेटा। अब
तो गाड़ी ठीक होगी ना, आप चले शिमला। हाँ पाजी, गाड़ी तो ठीक होगी, पर पाजी वो अभी मौसम बड़ा खराब है। अभी मैं तो क्या, कोई भी ड्राइवर नहीं जाएगा आपके साथ। लेकिन मेरा सुबह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या पाजी, इतनी छोटी बच्ची आपके साथ, ओ क्यों रिस्क लेते हो? पाजी एक काम करो, अभी ना आसपास कोई होटल ले लो, वहीं पे रुक जाओ, कल सुबह कोई अपना बंदा भेज दूंगा आपके साथ। सुहाना, कोई बात नहीं सर, बिल में ऐड हो जाएगा। तुम्हारे पैर में तो मोश लगी थी ना। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। अंकल, आपको पता है मेरे घर में भी ऐसा ही बेड है, बट वो इससे भी बहुत सॉफ्ट है। टेक योर शूज ऑफ। अच्छा, लेफ्ट साइड मेरी। नो वे, मूव। अंकल, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे कोई बच्चे नहीं है। क्या, आपके कोई बच्चे नहीं है? बट आपकी एज तो काफी होगी होगी ना। कितनी एज लगती है मेरी? 42, 43, 43 and a half। तुमने डिनर कर लिया ना, सो जाओ। अरे 12 बज गए। जिससे हाथ में तेरे चोट लगी, बट आई प्रॉमिस मैंने जानबूझ के नहीं मारी थी। आई एम सॉरी। हाँ हेलो दिशा मैम, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको से डांट पड़ी। अगर मैंने आपकी बात पहले सुनी होती तो आपको डांट नहीं पड़ती। आई एम वेरी सॉरी। जैसे आपको परेशानी हुई, बट मैंने जानबूझ के बस मिस नहीं की थी। आई स्वेर, आई एम सॉरी मम्मा। आई होप आपसे जल्दी मिलूंगी। Thank you.
गाड़ी भी खराब हो गई, आपको मुझे कैरी करके लाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। गुड नाइट, सो जाओ। अंकल नाउ योर टर्न। किस चीज के लिए? सॉरी बोलने की। तुम्हें? अरे जिसको भी दिल से सॉरी बोलना चाहते हो। व्हाट, ये क्या मजाक है? उफ़ो, कल क्या था? सैटरडे और आज है संडे। सैटरडे और संडे के बीच में क्या आता है? सॉरी डे। मेरी मम्मी कहती है अगर आपकी वजह से कोई दुखी हो, अगर आप उसे दिल से सॉरी बोलो तो वो आपको हमेशा माफ कर देता है। मेरे घर में तो सब सॉरी डे मनाते हैं, आपके घर में नहीं मनाते क्या? व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कोई डे नहीं होता, सब बकवास बातें हैं ये। बट मेरी मम्मी कहती है सॉरी बोलने से। झूठ बोलती है तुम्हारी मम्मी। बस एक पेपर पे छोटा सा शब्द लिख देने से या किसी को जाके सॉरी बोल देने से कोई माफ नहीं कर देता। ये सॉरी वॉरी ना सिर्फ बुक्स में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में तुम्हें छोटा बनाता है, नीचा दिखाता है, समझे? बट मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, मुझे तो माफ नहीं किया किसी ने। इट्स जस्ट अ वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इट्स अ मोस्ट यूजलेस वर्ड इन द वर्ल्ड। वो भी आपने पूरे दिल से सॉरी नहीं बोला। यू जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है तो थोड़ा सा ध्यान रखो इनका। यार तुम ही समझाओ, मेरे तो बस की कुछ नहीं है। जिम्मेदारियों की बात कौन कर रहा है? तुमने कौन सी जिम्मेदारियां उठा ली पहले मुझे ये बताओ। क्यों, मुझ में से कुछ कमी है? ना ना, तेरे में काहे कोई कमी है, तू तो दूध का दूल्हा है ना। क्यों भाई, मैंने तो शिया भी नहीं है। क्यों सारे मेरे पीछे चढ़े रहते हो? अब ऐसा है, मेरा ना मुंह मत खुलवा। एक काम करो, मुंह खोल ही दो। अबे दिक्कत हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। वो छोड़ो, तुम्हारी रिंग का है। तुम्हारी रिंग कहाँ है? वॉशरूम। अरे वॉशरूम वॉशरूम सब बहाने तुम्हारे यार। अरे वॉशरूम छोड़ो, अरे वॉशरूम वॉशरूम जाना। तुम्हारी रिंग कहाँ है? बिल्कुल ही केयरलेस हो गया। तुम्हें क्या हो गया? मैं बस नहाने गया था और उतार के रखी थी, पहनना भूल गया। मतलब तुम अपनी गलती नहीं मानोगे? आकाश, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम अपनी रिंग्स हमेशा पहन कर रखेंगे। पता नहीं तुम कब सुधरोगे। इसमें सुधरने वाली कौन सी बात है, और मैंने कोई प्रॉमिस थोड़ी ब्रेक किया है। बस रिंग उतारी थी, पहनना भूल गया। और अब ये ना छोटी छोटी बातों पे ना टांटना बंद करो, अब मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम्हारी हरकतें देख के तो लगता है कि तुमको बेबी सिटिंग की जरूरत है। और मैंने तो डिसाइड भी कर लिया है। क्या? ये कि मैं अपना बच्चा लेके अलग रहूंगी। ओ अच्छा, और मेरा क्या होगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम अपनी मम्मी के साथ ही रहना, क्योंकि मैं तो एक साथ दो दो बच्चे नहीं पाल सकती। अच्छा, अभी से ही मम्मी वाली प्रैक्टिस, फुल मम्मी मूड। देखो ऐसा है, ये मम्मी वाला मूड ना बाद में, अभी आई नीड माय वाइफ। अच्छा छोड़। एक मिनट,
हेलो, हाँ जी वर्मा जी, हेलो, हाँ जी हाँ जी जी वर्मा जी, बिल्कुल सही, मैं कल कल हाँ, अभी आऊँ। ये बस कुफरी जा रही है? जी बस निकल ही रहे हैं। कितने की? 30 रुपये। ये रही बस की टिकट, ये तुम्हें घर तक पहुंचा देगी। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वहाँ जाके अपने मम्मी पापा को कॉल कर लेना। बट मैं आपके बिना नहीं जाऊँगी। इसे कुफरी उतार देना। But you promised. जी, सत श्री अकाल जी। और कैसी हो?
आपको जी बहुत बहुत आप जी सब बढ़िया, बस आप सुनाओ कैसे हो? सब बढ़िया है। शहर वालों को पूछना चाहिए, हमारे तो बढ़िया ही रहते हैं। जी आपको भी नमस्ते जी, नमस्ते, कैसी हैं? दिल खुश हो गया जी एकदम। और पंजाब में सब ठीक? पंजाब में सब बढ़िया, मैं यहाँ हूँ और बताया था कुछ भी पंजाब का क्या है, तो खुशी रहता है। आइए ना, आइए कुछ मीठा हो जाए। और चलो जी की बात कह दी, चलो जी गुलाब जामुन खाते हो, छोटू लगा यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कहाँ रह गया तू? कब से तेरा वेट कर रही हूँ। यहाँ हमारे के पेरेंट्स भी आ गए और तेरा कुछ अता पता ही नहीं है। आकाश, आकाश तू ठीक है ना? दीदी दीदी आपको बुला रहे हैं। आकाश I'm sorry. I'm really sorry. आकाश बात क्या है, कुछ बोल ना। अगर आज मैं तेरी सगाई पे नहीं पहुंच पाया तो क्या तू मुझे माफ कर देगी? तू पागल है क्या? बहन हूं मैं तेरी, बट बात क्या है मुझे ये तो बता। तुझे याद है जब हम छोटे थे तो तू मार्केट में खो गई थी? हाँ याद है, पर तू ये अभी क्यों पूछ रहा है? हम सब बहुत परेशान थे, सब पागलों की तरह तुझे हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन मैंने आज तक तुझसे नहीं पूछा कि तुझे कैसा लग रहा था। I was really scared. मैं बहुत डर गई थी, छोटी सी बच्ची थी यार, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ क्या करूँ। I was totally dependent on you that time. मैं भी बहुत डरा हुआ था, जब तक तू मिल नहीं गई। I can't explain much right now, but आज भी उतना ही डरा हुआ हूँ, आज भी वैसी ही बेचैनी है मेरे अंदर। खो गया है कुछ जिसको ढूंढना बहुत जरूरी है। I know कि आज बहुत important दिन है तेरे लिए, but I'm sorry. Okay. तुझे जैसा ठीक लगे। थैंक यू सो मच, मैं पक्का शाम को आके मिलता हूँ। पर शाम तक सारी काजू वाली बर्फी खत्म हो जाएगी। चलेगा मुझे, बाय बाय। गई नहीं, वो बस तो चली गई। I'm sorry. मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मुझे जोर से मारना भी चाहती हो,
मैंने गलती भी ऐसी की। आई नो, मैंने प्रॉमिस तोड़ा और प्रॉमिस तोड़ना गलत बात होती है, बट मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को सॉरी बोलो तो वो आपको ज़रूर माफ़ कर देता है। बट शायद झूठ बोला। मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती। आप झूठे हो। अरे आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। I hate you. पर तुम गए क्यों नहीं? वो ना बस में एक बड़ी बड़ी मूछों वाले अंकल थे, मुझे उनसे बहुत डर लग रहा था। अब चले मम्मी पापा के पास। जिद मत करो, अब जाओ। एटलीस्ट मम्मी से तो मिल लेते। आपको कॉफी पसंद है? मेरी मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी बनाती है। सुहाना, अंकल बाय। बाय। अंकल बाय बाय। सुहाना जाओ। अंकल बाय बाय चाचू। Thank you.
अरे बेटा स्कूल जाने का मूड नहीं यार, चलो 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 चलो। हाँ जी सर, उससे मिलना आपको। दिशा, दिशा सिंह टीचर है वो यहाँ पे। वो जो मैथ टीचर है? हाँ जी। किस काम से मिलना है? पर्सनल काम है। पर्सनल काम से मिलना है आपको, हम भी नहीं पता। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब उनका नाम दिशा सिंह नहीं, मिस दिशा नागपाल है। एक मिनट। जाइए, रुको, नाम बोलो। आकाश। पूरा नाम? आकाश सिंह। यस। फोन नंबर? मैं जाऊं? जाओ। और भाई कैसे, क्या नाम? दिशा को आजकल कुछ ज्यादा नहीं मिलने आते लोग हैं ना। आकाश। हे, हाय। तुम यहाँ पर? वो मैं शिमला में ही था तो सोचा मिल लूं तुमसे। हाँ, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी। मैम, क्लास में जाएं? मैं आती हूँ अभी। एक्चुअली आई हैव अ क्लास राइट नाउ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। बट अगर कुछ अर्जेंट है तो तुम मुझे फोन करके बता देना। बट अभी आई रियली हैव टू गो, होप यू अंडरस्टैंड। आई विल वेट। थोड़ी ज्यादा देर हो गई ना, प्रिंसिपल सर ने भी बुला लिया था। नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तुम सच में मुझसे यूं ही मिलने आए हो या कुछ काम था? नहीं, वो क्यों बिना किसी काम के मिल नहीं सकते क्या? तुम शायद भूल रहे हो आकाश कि हमारा डिवोर्स होने वाला है। हाँ, बट अभी हुआ तो नहीं ना। मतलब दिशा, क्या हम दोबारा बैठकर इस बारे में बात नहीं कर सकते क्या? अरे दिशा मैम, आप यहाँ पर हो? मिस्टी मैम आपको लंच के लिए बुला रही है। आ रही हूँ। आकाश, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है मैम, जारी से गलती सर। ओ सर, आपके चक्कर में मैडम ने मेरी क्लास ले ली। क्यों, क्या हुआ? बस सर, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पर्सनल काम के लिए ना स्कूल में मत आइएगा। चाचू। अरे आज तो मुझे प्रिंसिपल ही डांटती जैसे ये डांट रही है। ऐसा थोड़ी ना, पहले फोन करके पूछा था मैंने। चाचू, आप मुझसे मिलने आए हो? ओ, तो ये बात है। तो आपने उनको सॉरी बोला?
इतना आसान नहीं है। गया था मैं स्कूल सॉरी बोलने के लिए, एंट्री बंद करा दी। अगर आपको एंट्री मिल जाए तो आप सब कुछ ठीक कर दोगे? पता नहीं, कोशिश कर सकते हैं। तो फिर मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि What's going on? मैम ये ना मेरे चाचू हैं, एक्चुअली मम्मी पापा बाहर थे तो इनको आना पड़ा। कभी बताया नहीं तुमने? मैम एक्चुअली ना ये मेरे सुहाना, आई एम नॉट आस्किंग यू। तो मिस्टर आकाश, कभी बताया नहीं आपने कि आपकी एक भतीजी भी है? मैम क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? Okay, so let's talk about our performance then. Suhana is really good at maths. In fact, uski overall performance bhi bahut achhi hai. Here, take a look at her recent unit test results. Beautiful. That's really great, Suhana. And your performance is like wonderful. And you're looking so cute. Lekin aajkal Suhana ki company thodi galat ho gayi hai. कुछ लोगों के साथ मिलके अपने ही टीचरों से झूठ बोलने लगी है। Well, ma'am, you don't worry about it. I'll take care of it. Yeah? Okay then, तो आप मिस मिस्ट्री से मिल लीजिए, वो सुहाना की साइंस टीचर है। Are you sure? और कुछ बात नहीं करनी सुहाना के बारे में? No, Mr. Akash, we are done. बस नहीं आई अभी तक। मैम बस तो चली गई, आप लेट हो गए। चली गई? क्या हुआ, बस नहीं आई अभी तक? बस तो आके चली भी गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। टाइम तो लग ही जाता है ना, बहुत सारी मीटिंग थी पेरेंट की सुबह से, ये बस वाले तो वेट करने से रहे। चाचू दिशा मैम का घर ना हमारे पास में ही पड़ता है। अच्छा, What a coincidence. दिशा जी आप हमारे साथ चल लीजिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नो इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या मैनेज कर लेगी, मैं तो प्रिंसिपल सर से लिफ्ट ले लूंगी। तो सुहाना के चाचू बोल रहे ना छोड़ने के लिए, तो चली जाना इनके साथ। बच्चा चोरी के शक में पिटाई का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। अब जो एक बड़ा सवाल, लिपस्टिक लगा लो, प्यारे प्यारे होंठों पे लिपस्टिक लगा लो, सैया तोरे आएंगे इस घर में घुस जाएंगे। दिशा जी आप मैथ्स की टीचर हैं? जी। तो आपकी मैथ्स तो बहुत अच्छी होगी। सॉरी आई मीन मैथ्स की टीचर है तो मैथ्स तो अच्छी होगी, मेरी बहुत खराब है, वीक है एकदम, पूरी फैमिली की वीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम। चाचू मैथ्स ना मेरे
सब्जेक्ट है। सच्ची? दिशा मैम ना बहुत अच्छा पढ़ाती है। अगर आपको भी दिशा मैम जैसी टीचर मिली होती ना तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होती। तो दिशा जी आप सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाती हैं या बड़ों को भी ट्यूशन देती हैं? I was just kidding. वैसे आप वीकेंड पे फ्री हैं क्या? क्यों? वो मैं कुफरी पहली बार आया हूँ, नया हूँ ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो अगर आप दिखा दे तो बढ़िया हो जाएगा। मैंने सुना है कि आप बहुत यहाँ की लोकेशन बहुत खूबसूरत है, मतलब अगर आप ट्यूशन नहीं दे सकती तो आप घुमा तो सकती हैं कुफरी। बाकी आप कभी दिल्ली आएंगे तो मैं आपको दिल्ली घुमा दूंगा। दिशा मैम, दिशा जी, दिशा है। हाँ। तो प्लान क्या है? स्वीटी, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? I don't know. I don't like her anyway. अंकल मैं पेस्ट्री ले लूं? हाँ ले लो। अंकल क्या आप शोर हो? आप उनके साथ दोबारा बातचीत करना चाहते हो? अंकल सपोज अगर हम आपकी हेल्प करते हैं और आपका पैचअप हो जाता है तो इसमें हमारा क्या फायदा है? आरुषि, फायदा तो है, अगर अंकल का पैचअप हो गया तो दिशा मैम अंकल के साथ शिफ्ट हो जाएगी और हमारा पीछे छूटेगा। स्वीटी इसमें तो सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद हर। अंकल मैं ये वाली भी ले लूं? हाँ ले लो। तो तुमको क्या चाहिए? प्लेस्टेशन लेटेस्ट वर्जन विद 40 गेम्स और मेरे डॉल हाउस। Only if you will get success. Okay? 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 Uncle, मैं चॉकलेट वाली भी ले लूं? ले ले, ये भी ले ले, सारी ले ले, दुकान में जितनी पड़ी है ना सब ले ले, ठीक है? Thank you, Uncle. Happy Saturday, ma'am. Good morning. Happy sorry day, ma'am. Happy sorry day, ma'am. Happy, happy sorry day, ma'am. Day, ma'am. अरे राम भैया। जी मैम। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं मैम, बच्चे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, नीचे ऑडी में कोई प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। आपको जाके देखना चाहिए। अच्छा ठीक है। एक तोता और मैना का जोड़ा रहता था। तोते का नाम था मौली और मैना का नाम था मिली। मौली और मिली दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, बट वो एक दूसरे से बहुत अलग थे। मौली के बहुत सारे फ्रेंड्स थे लेकिन मिली के पास सिर्फ मौली था। आज मेरा बर्थडे है। जल्दी वापस आ जाऊंगा।
मौली चाहकर कभी सॉरी नहीं बोल पाता था। घर पे बहुत देर से लौटा। उन दोनों के बीच उस रात बहुत झगड़ा हुआ। तुम निकल जाओ इस घर से। तुम निकल जाओ, ये मेरा घर है। मैं घोंसला बनाती हूँ, मेरा घर है। मैं भी इस घोंसले का आधा हिस्सा हूँ। तुम निकल जाओ इस घर से। तुम निकलो। तुम निकलो। तुम निकल जाओ इस घर से। तुम यहाँ से निकल जाओ। अब मुझसे ज्यादा बहस मत करो, तुम इस घर से निकल जाओ। तुम निकल जाओ, ये मेरा घर है। और कितनी बारी समझाऊं? तुम्हें बताया लेकिन नहीं समझ आती तो क्या करूं? आकाश मुझे दर्द हो रहा है। जिंदगी अपने ही तरीके से जीना चाहती हो, मेरा क्या? आज सुनना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। तुम सुनो, मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ पे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिंदगी में किसी चीज से खुशी मिलती है? हटो यहां से। या तो तुम घर से चली जाओ या तो मैं घर से चला जाता हूं। ये मेरा घर है, मैंने बनाया ये घोंसला। अभी निकलो मेरे घर से, जाओ। उस रात के बाद उन दोनों के बीच दूरियां बहुत बढ़ गई। छोटे छोटे झगड़े अब बड़े बड़े झगड़ों में बदल चुके थे। सॉरी मिली, मिली सॉरी, सॉरी मिली, मिली सॉरी। एक दिन उनके बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि मिली हमेशा के लिए घोंसला छोड़कर चली गई। मिली के जाने के बाद मौली एकदम अकेला हो गया और फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मिली को बहुत मिस करता था। अकेले मौली बहुत दुखी रहने लगा। उसको उदास देखकर जंगल के देवताओं ने एक परी भेजी। मौली, जी मेरी मिली मुझसे दूर चली गई है, आप प्लीज उसको मना लो। मौली, क्या तुमने उसे सॉरी बोला था? हाँ परी, मैंने उसे सॉरी बोला, बहुत बार बोला, लेकिन वो नहीं मानी। क्यों ना आप एक सॉरी डे बना दो, जिस दिन सॉरी बोलने पर सबको माफी मिल जाए। जैसे बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे होता है, मदर्स के लिए मदर्स डे होता है, तो सॉरी बोलने के लिए सॉरी डे क्यों नहीं होता? क्यों सॉरी डे नहीं हो सकता? अगर आपको कोई सच्चे दिल से सॉरी बोले तो क्यों उसे माफी नहीं मिलती? मैम, सॉरी डे क्यों नहीं होता? सॉरी डे क्यों नहीं हो सकता दिशा मैम? सॉरी डे क्यों नहीं हो सकता? सॉरी डे क्यों नहीं हो सकता? स्टॉप इट। हैप्पी सॉरी डे मैम, हैप्पी सॉरी डे। क्या हो रहा है ये सब? किसने परमिशन लिए सब करने के लिए? दिशा मैम, प्लीज एक बार आकाश चाचू की बात सुन लो। मैम प्लीज, ही वॉन्ट्स टू से समथिंग। मैम प्लीज एक बार उनकी बात सुन लो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? एवरीवन मूव टू योर क्लासेस राइट नाउ। मैम प्लीज। सुहाना, दिशा, इट्स ओके। सुहाना प्लीज मूव बैक टू योर क्लास।
हाय हाय, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम कभी भी बात कर सकती हो ना। देखो, जो तुम मुझसे रोज मिलने आते हो, मुझे इससे प्रॉब्लम होती है। आई मीन, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, मगर अगर हम ऐसे ही रोज रोज मिलते रहेंगे तो मूव ऑन कैसे करेंगे? मूव ऑन करना ही क्यों है? क्या इसी दिन के लिए शादी की थी हमने? तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड कर लिया आकाश, इतना तो जान ही चुकी हूँ दैट वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तिशा, मैं जानता हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत दुख पहुँचाया तुमको, बट ट्रस्ट मी दिशा, मैंने कभी भी कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरी बहुत सी गलतियाँ रही हैं, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। गलती? सीरियसली? तुम्हारी इस एक छोटी सी गलती के वजह से आकाश, वी लॉस्ट आवर चाइल्ड। सोचा था कि ये सुनके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, शायद तुम में कोई चेंज आ जाए, बट नो। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी आकाश, तुम थे ही नहीं वहां। अकेले पड़ी थी मैं उस हालत में। तिशा, I'm really sorry। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई आइडिया नहीं था? कितने कॉल्स किए तुम्हें मैंने आकाश, बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दर्द हो रहा है, पर तुम एक मीटिंग नहीं छोड़कर आ सकते थे मेरे लिए। मैं पास टेंड नहीं कर सकता, लेकिन आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, एंड यू नो दैट आई लव यू। ऐसा मुझे भी लगता था आकाश कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। दिशा, तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है, मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते, पर आज जब तुम जा रही हो तो मुझे तुम्हारी अहमियत पता लग रही है। दिशा, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाऊंगा। अब चीजें काफी बदल चुकी हैं, मैं बदल चुका हूं। एक चांस, सिर्फ एक चांस, मैं प्रूव कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम में चेंज नहीं नजर आता। बताया मुझे सुहाना ने कि कैसे तुमने उसकी मदद करी उसको घर तक पहुंचाने में। मैं तो बस शिमला ही जा रहा था, उसको घर तक पहुंचा दिया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये। पर तुम्हारे जैसे आदमी के लिए तो है ये बड़ी बात, जो अपनी वाइफ को इतनी क्रिटिकल हालत में अकेला छोड़कर जा सकता है, वो किसी अजनबी के लिए इतना करे। मेरा बस चलता तो मैं रास्ते में छोड़ के भाग जाता, वो तो बस सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि मुझे उसे घर छोड़ना पड़ा। देखो, बहुत दिनों से बेवकूफों की तरह तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं, लेकिन शायद तुम सही हो। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, मेरे साथ रहना है या नहीं ये तुम्हारा डिसीजन है, और ये फैसला तुम कर चुकी हो। उम्मीद है कि तुम आगे से ना मुझे कॉल करके और ना स्कूल आके परेशान करोगे।
ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों के थ्रू कोई मैसेजेस भी नहीं भिजवाओगे? डोंट वरी दिशा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आकाश, तुम कैसे आदमी हो जो एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए? फिर ऐसा किया क्यों नहीं? अब इन सब बातों का क्या फायदा? क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसको घर तक छोड़कर आए, अपनी बहन की वेडिंग भी मिस कर दी। ये सब तुमको कैसे पता? तुम्हारी पत्नी हूँ, इतनी खबर तो रखती हूँ। उस दिन मुझे इस आकाश की जरूरत थी। उस दिन अगर ये आकाश होता तो शायद हमारा। I'm so sorry, दिशु। I swear, आज के बाद मैं कभी हर्ट नहीं करूंगा। इस बार करोगे तो डिवोर्स नहीं दूंगी, सीधा जान से मार दूंगी। चलेगा। देख रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, बीबी हो मेरी। वैसे डाइवोर्स का प्लान तो कैंसिल है ना? देखेंगे। देखेंगे? क्या मतलब देखेंगे? अरे सुनो तो सही दिशु, अरे सुनो ना। रास्ते हैं तमे चल रही मंजिले, बेबसी है बसी ले रहा करवटे। करते हैं कितने वादे ना निभाने सहा